हेलो व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें चिली फिश बनिए अपन के देखो। चिली फिश बनानों जो आज के सैमन फिश फिले यूज करब। सैमन फिशर इच 3 आउंस सार्विंग भेतरे आज 17 ग्राम्स अफ प्रोटीन, प्रचुर परिमाणे एंटीऑक्सिडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड जहाँ हार्ट और आईर जो खूब ही भलो। रही है पटाशियम प्रचुर परिमाणे जहाँ ब्लाड प्रेशर कमाय। सैमन फिशर भेतरे को कार्बोहाइड्रेट नहीं, सो ये ब्लाड शुगर के कमाय। चिली फिश बनाबार जोन्नो आमी 6 आउंसेर दुटी सैमन फिले नियेछि, एगुलोके आमी छोटो छोटो पिस करे केटे नियेछि। आमी एकटि बोलेर भेतरे सैमनेर पिसगुलोके निये निच्छि। एर भेतरे एखन आमी स्पाइस दिये दिच्छि। आदार गुड़ा 1 চা চামচ, लवण 1 চা চামচ, रसुनेर गुड़ा 1 চা চামচ, मरीच 1 চা চামচ एवं आमार लागबे मयदा 1 টেবিল চামচ एवं कर्नफ्लावर 1 চা চামচ। सब मसला के आमी माछेर भेतरे दिए दिलाम। माछेर भेतरे एखन आमी 2 টেবিল চামচ तेल दिए दिच्छी। सबगुलो उपकरण के एखन आमी भालो करे मिक्स करे निच्छी। आमी निये नियेछि अर्धेकटी रेड अनियन, रेड पेपर, ऑरेंज पेपर एवं रसुन कुचि। एकटी प्यानेर भेतरे एखन आमी 1/4 কাপ तेल दिए निलाम। तेल गरम हवार पर माछगुलोके आमी एके एके बिछिए दिच्छी। ए मसला माखानो माछगुलोके आमी एकटू भेजे निब। इच साइडे आमी 2-3 মিনিটস करे भेजे निब। तीन मिनट पर हमें माछगुलो के उल्टे दीची। भाजा माछगुलो के हमें एखन एक प्लेटर मध्य उठिए रखबो। तेलेर भेतरे एखन आमी रसुन कुचि दिए दिच्छी। एर मध्ये एखन दिए दिब आमी रेड अनियन गुलो। पियाज एवं रसुन के किछुक्षण सटे करार पर आमी एर मध्ये वेजिटेबल गुलो को दिए दिच्छी। बेल पेपर दिए दिच्छी, आदार गुड़ा। एर भेतरे एखन दिए दिच्छी 2 টেবিল চামচ सया सस। दिए दीची 1 টেবিল চামচ চিলি সস। দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পানি। মশলাকে 5 মিনিট কষানোর পর এর ভেতরে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ভাজা মাছগুলো। এখন আমি রান্না করব 5 মিনিটের মতো। যখন পানি শুকিয়ে এটা তেলের উপর চলে আসছে, আমি এর ভেতরে এখন দিয়ে দিয়েছি ধনে পাতা কুচি। তো তৈরি হয়ে গেল চিলি ফিশ। চিলি ফিশকে আমি এখন একটি ডিশের মধ্যে ঢেলে নিয়েছি। দেখতে খুবই সুন্দর হয়েছে, খেতেও খুবই টেস্টি হয়েছে। টোটাল 30 মিনিটসের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল আমার চিলি ফিশ। আমার আজকের এই রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আবারও কথা হবে ইনশাআল্লাহ। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।